नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान के हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी ज़रूर दबा लें। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये है ऑप्शन सी, पायस का उदाहरण है। नेक्स्ट है, स्थानांतरणशील कृषि के संदर्भ में सत्य कथनों को पहचान करनी है कोड के माध्यम से, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला और दूसरा। पहला, इसमें भूमि की जुताई नहीं की जाती है, इसमें वनों को साफ कर या जलाकर कृषि की जाती है। अगला, नीचे दिए गए स्तंभों एक एवं दो में क्रमशः भारत के बांधों के नाम व नदी के नाम हैं जिन पर ये बांध स्थित हैं, इन्हें सुमेलित करना है कोड के माध्यम से, इसका देखिए हो जाएगा ऑप्शन बी। पहला है टिहरी बांध, इसका हो जाएगा भागीरथी नदी। फिर है किसाऊ, इसका हो जाएगा टोंस। फिर है लखबार, इसका हो जाएगा यमुना नदी। फिर है पोंग, पोंग का हो जाएगा ब्यास नदी। अगला है, बौद्धिक संपदा का निम्नलिखित में से कौन सा रूप दीर्घतम सुरक्षा प्रदान कर सकता है? ऑप्शन बी, पेटेंट। फसल चक्र से किस प्रकार का लाभ प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन डी हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। पहला है, एक ही भूमि से कई प्रकार की फसल ली जा सकती है। अगला है, खरपतवार नहीं पनप पाते हैं, मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्राकृतिक रूप से बनी रहती है। अगला है, अल नीनो के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करनी है कोड के माध्यम से, ऑप्शन डी, सभी सत्य हैं। पहला है, यह प्रशांत महासागर में बहने वाली गर्म जलधारा है, इसका एक नाम चाइल्ड क्राइस्ट भी है, भारतीय मानसून इससे प्रभावित होता है। और अगला है, यह पेरू के तट पर प्रवाहित होती है। अगला है, ऐसा कर जो आय बढ़ने के साथ आय का एक बहुत बड़ा हिस्सा ले जाता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए, प्रगतिशील कर। भारत किस देश को लौह अयस्क का सर्वाधिक निर्यात करता है? ऑप्शन ए, जापान। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? ऑप्शन ए, बिक्री कर। बाकी के तीन हैं, निगम कर, आयकर और संपत्ति कर। अगला है, केंद्रीय नियोजित अर्थव्यवस्था में साधनों का विनिधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो ऑप्शन डी, सरकार एवं कीमत तंत्र दोनों। अगला है, आर्थिक कल्याण का सर्वोत्तम माप कौन सा है? ऑप्शन डी, प्रति व्यक्ति वास्तविक निवल राष्ट्रीय उत्पाद। व्यापारिक बैंकों द्वारा जनित साख का नियंत्रण कौन करता है? तो ऑप्शन डी, भारतीय रिजर्व बैंक। लघु और कुटीर उद्योग किस लिए महत्वपूर्ण हैं? तो देखिए ऑप्शन ए, ये बहुतों को रोजगार प्रदान करते हैं। काली मिट्टी का सबसे अधिक क्षेत्र किस राज्य में है? तो ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सागौन के वृक्ष किन वनों में पाए जाते हैं? ऑप्शन बी, मानसूनी वन। लाईफाई के संबंध में क्या सही है कोड के माध्यम से बताना है? ऑप्शन सी, पहला दूसरा। यह उच्च गति से डेटा संचरण के लिए प्रकाश को माध्यम के रूप में संतुलित करता है। और दूसरा है, यह एक बेतार प्रौद्योगिकी है और वाईफाई से कई गुना अधिक तीव्रतर है। नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारतीय संसद द्वारा कब स्वीकृत की गई थी? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1986। पीटी ऊषा का निम्न में से किससे संबंध है? तो धाबिका से। अगला है, भारत में हीरे की खाने किस राज्य में स्थित हैं? तो ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश में। जातियों के विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन डी, डार्विन ने। अगला है, निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन नहीं होता है? तो ऑप्शन डी, पालक में। बाकी के तीन में होता है, जैसे कि दूध, मटर और दाल।
गुरुत्वाकर्षण के नियम का आविष्कार करता कौन था? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, न्यूटन। नेक्स्ट है, इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो ऑप्शन डी, वर्ष 1961 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम शिक्षा आयोग कौन सा था? तो ऑप्शन सी, राधा कृष्णन आयोग। जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय नागरिकता का लोप कब हो जाता है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी परिस्थितियों में। पहला है, जब कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता प्राप्त कर लेता है। वी है, जब वह नागरिकता का परित्याग कर देता है। सी है, जब सरकार किसी कारण से उसे नागरिकता से वंचित कर देती है। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा गया है? तो ऑप्शन बी, 42वां। भारत में मौलिक कर्तव्यों को कौन सी मान्यता नहीं प्राप्त? तो ऑप्शन डी, वैधानिक। निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण कारक जैवीय रूप से अवघटित होता है? तो ऑप्शन डी, मल। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? ऑप्शन बी, लॉर्ड मैकाले। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी? ऑप्शन बी, दिल्ली से दौलताबाद। कहाँ की थी? दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन सी, लुम्बिनी में। ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस सूक्त में हमें चातुर्वर्ण व्यवस्था का प्राचीनतम उल्लेख प्राप्त होता है? तो ऑप्शन सी, पुरुष सूक्त। प्रगट सिंह किससे संबंधित हैं? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हॉकी से संबंधित हैं। भारत में आर्थिक नियोजन के प्रमुख उद्देश्य रहे हैं? तो ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। पहला है, आर्थिक समृद्धि एवं आत्मनिर्भरता। फिर है, पूर्ण रोजगार के साथ आर्थिक असमानताओं में कमी। गरीबी उन्मूलन तथा आधुनिकीकरण। बौद्ध धर्म की किस शाखा में मंत्र, हठ योग एवं तांत्रिक आचारों को प्रधानता दी गई है? ऑप्शन सी, वज्रयान। किस बायोम का विस्तार ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है? ऑप्शन ए, टुंड्रा। किस वेद की रचना गद्य और पद्य दोनों में की गई है? तो ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अशोक का उसके किस लघु शिलालेख में बुद्ध, शाक्य एवं अशोक नाम मिलता है? तो ऑप्शन बी, मास्की। नेक्स्ट है, हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम दक्षिण में अपनी सत्ता की स्थापना की? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सातवाहन। पुलकेशिन द्वितीय की ऐहोल प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो ऑप्शन बी, रवि कीर्ति। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना रखी? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। हजरत निजामुद्दीन औलिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो ऑप्शन ए, चिश्ती संप्रदाय से। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित था? तो ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। किस सिख गुरु की हत्या औरंगजेब ने करवा दी थी?
तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गुरु तेग बहादुर। अगला है, लॉर्ड बेलेजली के साथ सहायक संधि पर किस निजाम ने हस्ताक्षर किए थे? तो ऑप्शन ए निजाम अली, निजाम अली ने हस्ताक्षर किए थे। कौन सा आंदोलन दक्षिण भारत से संबंध रखता था? तो ऑप्शन डी श्री नारायण धर्म परिपालन योगम। फरवरी 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन का सभापति कौन चुना गया? तो मोतीलाल नेहरू। अगला है, संविधान का कौन सा संशोधन पंचायत राज व्यवस्था से संबंधित है? तो 73वां संशोधन। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ऑप्शन डी केंद्रीय मंत्रिमंडल। भारत का नागरिक निम्नलिखित में से किसकी अनुमति प्राप्त किए बिना किसी विदेशी राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? फ्योर्ड। बाकी के तीन है क्रेटर, गेसर और कालडेरा। अगला है, स्थलीय भाग सागरीय भाग की अपेक्षा शीघ्र गर्म व शीघ्र शीतल होते हैं, इस संदर्भ में सही कथन की पहचान करनी है। तो ऑप्शन डी पहला, दूसरा और चौथा। पहला है, स्थल संचालन द्वारा गर्म होता है, जल का विशिष्ट तापमान ऊंचा होता है, और चौथा है जल संवहन विधि से गर्म होता है। विशाल लवणीय दलदल किसकी विशेषता है? तो कच्छ की खाड़ी। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, भुगतान संतुलन के किस खाते पर भारत में रुपए की परिवर्तनीयता लागू है? तो चालू खाते। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।